नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। सीबीआई ने एनसीबी के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है और इस वक्त हम मुंबई में गोरेगांव में मौजूद समीर वानखेड़े के घर इंपीरियल हाइट्स के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर सीबीआई ने आज तलाशी ली। एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया है। समीर वानखेड़े ने 2 साल पहले कथित ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। इस मामले में वानखेड़े और अन्य पर कथित तौर पर आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है और उस वक्त समीर वानखेड़े मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी थे। उधर सीबीआई ने समीर वानखेड़े और अन्य आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। कुल 29 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई, मुंबई, रांची, दिल्ली, कानपुर और मुंबई के इसी इंपीरियल हाइट्स में सीबीआई की टीम पहुंची तलाशी के लिए। और भाई, ये बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े फैसले की। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कथित शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वे होगा, ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है। कैसे होगा, कितने दिन में किया जाएगा, ये वाराणसी कोर्ट को देखने के लिए कहा गया है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। याचिकाकर्ता, जिन्हें मंदिर पक्ष भी कहा जाता है, वो इसे शिवलिंग कह रहे हैं और मस्जिद पक्ष इसे फव्वारा बताता रहा है। ये कितने साल पुराना है, किस धातु या पत्थर का बना है, ये तय करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को इसका वैज्ञानिक परीक्षण करने का आदेश दिया है। एएसआई ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश की 52 पेजेस की, जिसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, बीआईपीएस लखनऊ, आईयूएसी, ये सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे शिवलिंग की साइंटिफिक जांच पॉसिबल है। कोर्ट ने इस सारी रिपोर्ट को मद्देनजर करते हुए, देखते हुए 52 पेजेस की इस रिपोर्ट के आधार पे माननीय जिला जज महोदय का फैसला सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया है और साइंटिफिक सर्वे की मांग को अलाउ कर दिया है। साल 2022 में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर काशी विश्वनाथ परिसर में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे हुआ था, जिसमें वजू खाने में कथित शिवलिंग मिलने की बात सामने आई थी। दरअसल पिछले साल मार्च में ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद श्रृंगार गौरी में रोज पूजा के लिए वाराणसी कोर्ट में 5 महिलाओं ने याचिका दायर की। अप्रैल में वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए 3 वकील कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे के आदेश दिए। 16 मई को सर्वे के दौरान मंदिर पक्ष की तरफ से वजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई, मुस्लिम पक्ष ने इसे फवारा बताया। 16 मई को ही वाराणसी कोर्ट ने वजू खाने को सील किया। जून में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक सर्वे कराने की याचिका वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई। 14 अक्टूबर 2022 को वाराणसी कोर्ट ने कथित शिवलिंग के एएसआई के जरिए वैज्ञानिक परीक्षण की याचिका खारिज कर दी। 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे के आदेश दिए। इस बीच अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी एसएम यासीन ने कहा कि जजमेंट पढ़ने के बाद वो इस बारे में कोई राय दे सकेंगे। पहली बात तो यह, मुझे इस पे आपत्ति है कि वो शिवलिंग है, वो फव्वारा था, फव्वारा है, फव्वारा रहेगा, इसको हमने चलता हुआ देखा। दूसरी बात यह है, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी वो है आदेश है, वो सर आँखों पे, हमें अभी पुरुष के पूरे कापी का इंतज़ार है, वो हमारे वकील साहबान पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे और लोग देखेंगे, उसके बाद कोई आप बात कही जा सके। लेकिन हमारा ये मानना है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होना जाना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग का सर्वे होगा, एएसआई सर्वे करेगा, ये तय है। ये सर्वे कब होगा, किस तरीके से होगा, ये फैसला वाराणसी कोर्ट 22 मई को करेगा। और जाहिर सी बात है कि कोर्ट को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वाराणसी और पूरे देश में कानून व्यवस्था भी चाक चौबंद रहे। इलाहाबाद में सहयोगी नितिन, वाराणसी में सहयोगी हिमांशु और दिल्ली में प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को बड़ी राहत मिली है, महाराष्ट्र सरकार ने उनके निलंबन के आदेश को वापस ले लिया है। वैसे वो पिछले साल 2 जून को ही रिटायर हो चुके हैं, सरकार ने दिसंबर 2021 में उनको निलंबित करके जांच के आदेश दिए थे। जितने दिनों तक वो निलंबित रहे उस दौरान उनको ड्यूटी पर माना जाएगा, उनको रिटायरमेंट के बाद की सभी सुविधाएं मिलेंगी।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट इन्होंने एक निर्णय दिया, जिस निर्णय के तहत श्री परमवीर सिंह इनकी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी उसको गलत करार देते हुए उसको बंद करने का निर्णय ये कैट के माध्यम से आया, और उसके साथ साथ एक उसके इफेक्ट के रूप में उन्हें जो निलंबित किया गया था उसको भी गलत साबित करते हुए उनका निलंबन भी वापस लेने के आदेश ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने दिए हैं, उसी के अनुसार ये निर्णय लिया गया। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, महाराष्ट्र सरकार ने उनका निलंबन वापस ले लिया है। दरअसल जब एंटीलिया कांड हुआ था उस दौरान परमवीर सिंह पर भी आरोप लगे थे और अनिल देशमुख ने उनके खिलाफ एक बयान दिया था, जिसके चलते उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ जबरन वसूली 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। उसके बाद परमवीर सिंह के खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में कई मामले दर्ज किए गए थे और वो जांच बाद में हालांकि सीबीआई को दी गई, लेकिन उन मामलों के आधार पर सरकार ने तब की परमवीर सिंह को निलंबित कर दिया था और साल 2021 में निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की थी। उसके खिलाफ परमवीर सिंह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गए थे जिसकी सुनवाई हुई और जिसका फैसला अब आया है, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है, जिसके आधार पर अब महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह का निलंबन वापस ले लिया है और ये भी कहा है कि निलंबन के दौरान भी वो ड्यूटी पे माने जाएंगे। इस बीच परमवीर सिंह जून 2022 में रिटायर हो गए थे, लेकिन चूंकि निलंबन उनका चल रहा था इसलिए उनकी जो सर्विस थी और बाकी जो सब सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिल रही थी, लेकिन अब चूंकि सरकार ने उनका निलंबन वापस ले लिया है तो और उनको ड्यूटी पे माना है तो उनकी सभी सुविधाएं फिर से उन्हें बहाल हो जाएंगी, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब उन्हें अब मिलेंगी। ये बहुत बड़ी राहत है परमवीर सिंह के लिए। इस संबंध में जब हमने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी राहत है और मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ खास करके कोर्ट और सरकार का कि मुझे एक तरह से न्याय दिलाया है उन्होंने। लेकिन ये ज़रूर है कि इस दौरान भले निलंबन वापस हो गया है, सुविधाएं उन्हें मिलेगी, लेकिन जो उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं सीबीआई में जो जांच चल रही है वो जारी रहेगी, यानी कि मामला उन पर बना रहेगा, लेकिन बड़ी राहत यह है कि उनका निलंबन वापस हो गया है और सब सुख सुविधाएं जो है सेवानिवृत्ति के बाद मिलनी चाहिए उन्हें फिर से मिलनी शुरू हो जाएगी। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडे से सुनील सिंह, एनडी टीम इंडिया के लिए। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरह से फैसला सुनाया और विशेष टिप्पणी की, उसके बाद शिवसेना के दोनों गुटों में जंग जारी है। दोनों गुटों की ओर से आज भी ये दावा करने की कोशिश हुई कि निर्णय उनके पक्ष में है। देखिए आज क्या हुआ, सोहित मिश्रा की इस रिपोर्ट में। गुरुवार को अदालत के फैसले के बाद शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से दावा किया कि फैसले ने उनके पक्ष के सभी दावों को सही साबित किया है। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के तहत पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कार्रवाई की मांग की। जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं तो मानता हूँ उनको उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल महोदय किसी कानून इसमें आते नहीं, इसलिए वो अपनी मन मर्जी जो कुछ आए, मेरी मर्जी, ये कोई पिक्चर का गाना नहीं है। उद्धव गुट ने महाराष्ट्र के स्पीकर से जल्द 16 विधायकों पर फैसला लेने की अपील की है और ऐसा नहीं होने पर दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात की है। हमारे हिसाब से तो टाइम फ्रेम 15 दिन की होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे, हमने चिट्ठी लिखी है अध्यक्ष को कि इसको सही समय में लेना चाहिए और जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जो व्हिप का वायलेशन हुआ है उसका पूरा रिकॉर्ड विधानसभा में मौजूद है। उसके लिए कोई विटनेस एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई विटनेस नए लाने की जरूरत नहीं है, जो रिकॉर्ड पे है उसी को चेक करना है और उसी को ख़त्म करना है। अगर उस टाइम फ्रेम में स्पीकर नहीं करते हैं या वो कोई टाइम फ्रेम को डिफाइन नहीं करते हैं, तब आप लोग क्या करेंगे? हम तो जरूर कोर्ट में जाएंगे क्योंकि हमको लिबर्टी है। उद्धव ठाकरे के दावे के बाद शिवसेना के सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है कि उनकी सरकार संवैधानिक है। साथ ही उद्धव ठाकरे की ओर से एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने हमला बोला। इनको इलेक्शन की बहुत जो है जल्दबाजी जो है मची है यहाँ पर, तो उसके लिए भी मैं सलूशन देता हूँ।
कि जो 14-15 लोग जो बचे वहां पर, जो अलायंस में लड़कर आए, जो अलायंस में लोगों के सामने गए वहां पर, और दोनों पार्टी के वोट जो है 46% ऑफ द वोट्स दोनों पार्टी को मिलाकर जो है रिस्पेक्टिवली मतलब एवरेजली हर कैंडिडेट को मिले हैं वहां पर। तो अगर आपको नैतिकता बची है आप में, तो आप जो 14-15 जो लोग हैं उन्होंने इस्तीफा कल के कल देना चाहिए और तुरंत जो है इलेक्शन के लिए आप जाना चाहिए सामने। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के बाद अब शिवसेना के दोनों गुटों के बीच परसेप्शन बैटल यानी धारणा की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और दोनों गुट ये दावा कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उनके पक्ष में आया है। इस सब के बीच अब इन 16 विधायकों के भविष्य महाराष्ट्र के स्पीकर तय करेंगे, और उनके ही फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य भी तय होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के शोषण मामले में सांसद बृजभूषण सिंह के बयान दर्ज कर लिए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है। 27 मई को इस पर अगली सुनवाई होनी है। बृजभूषण सिंह ने अपने बचाव में क्या कहा और कोर्ट में पहलवानों ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी उस दिन जीवन से। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवान अब भी जंतर मंतर पर जमे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका डाली थी। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण सिंह का बयान दो बार दर्ज हुआ। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा और कुछ वीडियो सबूत के तौर पर दिए। दिल्ली पुलिस की SIT में 4 महिला समेत 60 से ज्यादा लोग हैं। कुश्ती संघ के सहायक सचिव के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान समेत 6 पहलवानों के बयान दर्ज कराए जाने हैं। मामला अब राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। इसकी अगली सुनवाई 27 मई को है, लेकिन पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर चल रहा है। पहलवानों के साथ सरकार की कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। इसी के वजह से अब सबकी निगाहें राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 15 दिन में बयान दर्ज करने को कहा है। साथ ही 15 दिन बाद पुलिस दोबारा स्टेटस रिपोर्ट देगी। पुलिस ने बताया कि 6 पहलवानों के 164 के बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जी दी गई है, जबकि पहलवानों ने पुलिस की मंशा पर सवाल उठाया। देखते हैं अगली सुनवाई के दौरान इस मामले का हल कैसे निकलता है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की कल होगी सगाई, कहां होगी, कितने मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया, ये सब बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। CBSE के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं में 93.12% छात्र पास हुए हैं, जबकि 12वीं में 87.33% छात्र पास हुए हैं। इसमें 90.68% लड़कियां और 84.67% लड़के पास हुए हैं। 12वीं का त्रिवेंद्रम जोन का नतीजा 99.91% रहा। प्रिपरेशन तो बहुत ज्यादा थी और मार्क्स भी ठीक है, लेकिन और होना चाहिए था। अदिति, मेरे को 88% आया, 88% एंड प्रिपरेशन वाज ओके, लाइक आई हैव गिवन माय 100%। इट्स लाइक कि थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन था। मुझे 92% आया ऑलमोस्ट, और ह्यूमैनिटीज में हाईएस्ट मार्क्स है मेरा। बट ताज्जुब की बात यह है कि ना मैंने एक भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया और ना ही मैंने किसी तरह का सैंपल पेपर सॉल्व किया। मैं बस अपने आप ही कॉन्फिडेंट रहा और अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए मैंने प्रिपरेशन की और अपना बेस्ट दिया टुवर्ड्स द बुक। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की कल यानी कि 13 मई को सगाई होने जा रही है।
दिल्ली के कपूरथला हाउस में सगाई समारोह होगा। कार्यक्रम की शुरुआत शाम तकरीबन 5 बजे से शुरू होगी। करीब 150 लोगों को सगाई का निमंत्रण दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत राजनीति और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। एनसीबी के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े के घर इंपीरियल हाइट से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।